हेलो गाइस, वेलकम टू आयत स्टडी 2.0। अपन पॉलिनोमियल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनोमियल में अपन ने कल क्या स्टडी किया था, जीरोज की वैल्यू अपन ने कल निकाली थी इसमें, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पे आज अपन बात करते हैं, जनरल फॉर्म क्या थी इसमें। ax² + bx + c, ये अपनी जनरल फॉर्म थी इक्वेशन की। अब इसमें अपन आज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात कर रहेंगे। तो अपन एक 2x² - 8x + 6, अब इसमें ये a = इससे कंपेयर करेंगे तो a = 2, b = -8, c = 6। अब a * c = 2 * 6 = 12। अब -8x को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे 8x। तो अपन यहाँ चेक करते हैं, 1 * 12 इनको ऐड करेंगे तो ये तो 13 हो रहे हैं, 2 * 6 तो ये 12, और 2 + 6 = 8, तो ये अपने टू फैक्टर्स इसके आएंगे। तो 2x² - 2 + 6 + 6 = 0, 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। अब यहाँ से 2x अपन कॉमन लेंगे, x - 1 - 6 x - 1 = 0, 2x - 6 x - 1 = 0। वेहेन 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 6/2 = 3। ये अपना एक वैल्यू आ गई जीरोज की। तो अपन इनको अल्फा ले लेते हैं। लेट अब हम आगे कैसे करेंगे, x - 1 = 0, तो x = 1 इसको अपन बीटा ले लेते हैं। अब इनको आगे कैसे करेंगे, अपन आगे सोल्व करते हैं। a = 2, b = -8 और c = 6, और α = 3, β = 1। तो अपन c/a = 6/2, 6/2 = 3, ये वैल्यू आई अपने 3 * 1, 3 * 1, तो ये अपना क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया c/a। और -b/a = - पहले से, और माइनस का 8, बी की वैल्यू, अपॉन 2 तो 4। 3 + 1 ये क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। ये अल्फा बीटा का सम किया अपन ने, तो ये 4 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये सम ऑफ जीरोज = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू c/a। अब इसको आगे अपन कैसे प्रूव करेंगे, इस चीज को अपन प्रूव करते हैं। जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = अपन ने kx - α x - β, ये अपना जीरोज की वैल्यू है, ये अपनी जनरल फॉर्म है। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ax² + bx + c, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे kx² - kα + β + kα β। अब इससे कंपेयर करेंगे तो a = k, b = -k अल्फा प्लस बीटा, c = k α β। अब अपना इनका जीरोज का सम क्या था, जीरोज थे α + β = -b। इस k को अपन नीचे ले आएंगे, तो k α + β = -
बी अपॉन के, इस यहां से आ गया अपने पास। अब इस इक्वेशन से अपन क्या लेंगे, सी अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा, और अपने पास ए इक्वल टू के दे रखा है इसी इक्वेशन से अपन ने। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, इस के की जगह अपन ए रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक तो वैल्यू ये आ गई अपनी सम ऑफ जीरोज की, माइनस बी अपॉन ए, यही अपन ने ऊपर निकाला था ये रहा। अब इस इक्वेशन से अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन, इस के की जगह अपन ए रखेंगे, तो सी अपॉन ए, ये भी अपना प्रूव हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ये अपना रिलेशन निकल गया इनमें जीरोज और कोपिशेंट में, और ये अपन ने प्रूव भी कर दिया इन दोनों चीज़ों को। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे करेंगे अपन, अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसमें अल्फा बीटा और गामा आर जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अपन उसमें क्वाड्रेटिक में लेते थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इस पे अपन एक एग्जांपल भी करेंगे अभी। ये कंडीशन आ गई अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें अपन एक क्वेश्चन लेके इस पे और बात करते हैं आगे। अपना एग्जांपल नंबर टू है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन टू जीरोज एंड कोफिशियंट्स। अब इसमें अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जीरोज की वैल्यू निकालेंगे, तो सेवन एक्स को अपन टू पार्ट में, तो सेवन के टू पार्ट कैसे करेंगे, वन इंटू सेवन, इनको जैसे ए और सी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तब तो टेन आना चाहिए, और ऐड करेंगे तब सेवन आना चाहिए, तो वन इंटू सेवन, तो ये तो अपना सेवन हो गया, और यहाँ पे अपन टू इंटू सिक्स, तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व हो गया, अपन को टेन चाहिए, तो टू इंटू फाइव, तो टू इंटू फाइव टेन, और फाइव प्लस टू सेवन, तो ये अपना फैक्टर हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, हमने एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस टू प्लस फाइव, यहाँ से एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, वेहन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। अब ये इसको अपन ने अल्फा लिया, ये अपना फर्स्ट जीरो आ गया। सेकेंड कैसे निकालेंगे, वेहन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसको अपन ने अल्फा लिया। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज, तो सम अल्फा प्लस बीटा और इसका माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का फाइव प्लस माइनस का टू इक्वल टू माइनस सेवन। अब इस इक्वेशन से अपन देखेंगे तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का तो यहाँ पे ए तो अपने पास दे रखा है वन, बी इक्वल टू सेवन, सी इक्वल टू टेन, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे अपन, माइनस का बी तो सेवन अपॉन वन, तो माइनस का यहाँ पहले से दे रखा है तो ये प्लस इंटू माइनस, तो माइनस सेवन अपॉन वन, तो ये वन ले लेंगे अपन यहाँ पे, ये अपना प्रूव हो गया सम ऑफ जीरोज का। अब अपन इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा
इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहां से सी टेन अपॉन ए, टेन अपॉन वन, ये वैल्यू अपनी आनी चाहिए इस प्रोडक्ट से। यहां से तो अपन माइनस का फाइव माइनस का टू, तो फाइव इंटू टू टेन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस टेन बाई वन, ये वैल्यू अपनी यहाँ पे आ गई। तो ये अपने प्रूव कर दिया या वेरीफाई कर लिया अपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को। अब इसमें अपन क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर और बात करते हैं। अपना एग्जांपल नंबर फाइव है, वेरीफाई डेट थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब अपनी क्यूबिक इक्वेशन ये अपन को दे रखी है, जीरोज की वैल्यू भी अपन को दे रखी है, अपन ये जीरोज की वैल्यू इसमें अपन वन बाई वन करके पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ गई तो अपने ये जीरोज सही हैं, तो अपने इसको फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो अपन कैसे करते हैं इनको, तो हमें दे रखा है a इक्वल टू थ्री, b इक्वल टू माइनस फाइव, c इक्वल टू माइनस इलेवन, d इक्वल टू माइनस थ्री। अब ये इक्वेशन है, और अपनी क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब इससे अपन कंपेयर किया तो a इक्वल टू थ्री, b इक्वल टू माइनस फाइव, c इक्वल टू माइनस इलेवन और d इक्वल टू माइनस थ्री। अब अपन यहाँ पे x की जगह अपन अपने जीरोज की संख्या दे रखी है थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री। सबसे पहले अपन थ्री लेंगे, तो p थ्री इक्वल टू थ्री इंटू थ्री की क्यूब माइनस फाइव, थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन, थ्री माइनस थ्री। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो थ्री इंटू इसको अपन थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन, तो ये हो गया एटी वन माइनस फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री माइनस थ्री। अब इनको अपने ऐड किया फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री माइनस थ्री को, तो ये एटी वन और एटी वन पहले से, तो ये जीरो आ गई। अब ऐसे ही अपन पी माइनस वन पुट करेंगे, तो थ्री इंटू माइनस वन की क्यूब माइनस फाइव माइनस वन का स्क्वायर माइनस इलेवन माइनस वन माइनस थ्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का थ्री, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का फाइव, ये प्लस हो जाएगा इलेवन माइनस थ्री। अब इनका अपन सम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो। अपन थर्ड वैल्यू लेंगे p माइनस वन बाई थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री का क्यूब माइनस फाइव माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन माइनस वन बाई थ्री माइनस थ्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस का ट्वेंटी सेवन, वन बाई ट्वेंटी सेवन, और थ्री से अपन कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो माइनस का वन बाई नाइन, और इसको सोल्व करेंगे तो फाइव बाई नाइन माइनस माइनस प्लस इलेवन बाई थ्री माइनस का थ्री। और इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जीरो आएगी। तो इसका मतलब अपना ये जीरोज थ्री माइनस वन माइनस वन बाई थ्री इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अपन इसमें रिलेशन निकालेंगे आगे इस। तो अपन ने क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या लिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू थ्री प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन बाई थ्री। अब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, टू माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू फाइव बाई थ्री। अब इसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, माइनस का बी अपॉन ए, बी अपना कितना है माइनस का फाइव, ए थ्री। तो इसको अपन आगे कैसे लिख सकते हैं कि माइनस बाहर और माइनस फाइव बाई थ्री इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बाहर ले लिया तो इसकी वैल्यू अपने पास माइनस बी अपॉन ए हो गई, और ये माइनस पहले से। अब आगे कैसे सोल्व करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस प्रोडक्ट को अपन, 3 इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री। अब माइनस का ये 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3 और माइनस का 1 इक्वल टू, अब इसको अपन सोल्व किया तो माइनस का 11 बाई थ्री। अब ये क्या है, c अपॉन a, तो c की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस का 11, और a की वैल्यू क्या है, 3। ये भी प्रूव हो रहा है और ये भी अपने पास प्रूव हो गया, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब इसको अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस का 1 इंटू माइनस 1 बाई 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 1। अब इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए है, तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो इससे क्या होगा कि माइनस 3 अपॉन 3 लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू 1 आई, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 3 बाई 3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो अपन इसके इक्वल ये प्रूव कर दिया। अब इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, उसमें अपन एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।